सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज, पहचान सच की। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद पिलर नंबर 215 डेयरी फार्म के पास एक शख्स ने मचाई हलचल। तफसीलात के मुताबिक खूनी गौसी नामी शख्स ने डेयरी फार्म के पास गरीब आवाम को डरा कर उनके कारोबार में रुकावट पहुंचाने के साथ उनके सामान को भी तोड़ दिया गया। जब लोग इसको पूछने पर बताया कि इसका नाम खूनी गौस है, वो इससे पहले सालार जंग म्यूजियम में गोल्ड टिफिन बॉक्स चुराने के इल्ज़ाम में जेल से कुछ ही दिन पहले छूटा है। आते ही आवाम पर अपना डर और खौफ बनाए रखने के लिए कल लोगों को डराया था और उनके ऑफिस और बंडी के सामान को भी तोड़ दिया गया। नुकसान करने की वजह पूछने पर मोहसिन अली नामी शख्स को जान से मारने के लिए उसके पीछे ग्लास का टुकड़ा लेकर भागा। मोहसिन ने अपनी जान किसी तरह बचा लिया और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल प्रेसिडेंट यासीन अयूब के साथ जाकर राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने फौरन खूनी गौस पर अटेम्प्ट टू मर्डर केस दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। मेरी बात नहीं सुनते तुम, बोल दिया ना खामोश बैठ जाओ तो खामोश बैठ जाना। मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो कर दिए होगा ना, खत्म करो बात को, क्या लगा लेना लगा दो, कोई भी कुछ नहीं बोलते आप, कोई नहीं दिखना है, नहीं दिखते वो दिया ना खत्म होगी बात, कोई नहीं आप अभी हटा ना नहीं है मोहम्मद मोहसिन अली है। कल एक डेयरी फार्म किलर नंबर 215 पर इंसिडेंट हुआ। मेरे ऑफिस के एक नामालूम शख्स जो है, जिसका नाम बताया जाता है कि फोन हाउस है बोल के, उन्हें आया ऑफिस में आके जो है मेरे को मारने की कोशिश करा। पहले जो है ना बच्चों की मंडी का ग्लास फोड़ा, वो ग्लास फोड़ के जो है ना मैं वजूहत मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को मारने आया अंदर ऑफिस में घुस के, उसको समझाने की कोशिश की, रोके तभी जो है ना मेरे पीछे मारने आया भाग के कांच का टुकड़ा लेके, मैं बाहर निकल गया। मैं अपने आप में जान बचाया अपनी, मैं कानून अपने हाथों में ले लेना चाहा, मैं सीधा निकल के पुलिस स्टेशन आया। हमारे CI साहब, अल्लाह अच्छा रखो उनको, तो इमीडिएटली हैज़ टेकन एक्शन। ठीक है, एक्शन लेने के बाद जो है ना थोड़ी राहत मिली अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आज हम पुलिस स्टेशन आए हैं, हमारे यासीन साहब जो है मेरे जानने वाले थे, ऐसा मालूम हुआ वाकया बोलते बड़े तो बेचारे आप आके सपोर्ट किए, अल्हम्दुलिल्लाह आज आके हम जो है ना कॉपी लेके जा रहे हैं उसकी, FIR बुक हुआ कॉपी लेके जा रहे हैं उसकी। और मैं तहे दिल से श्वेता मैडम का और हमारे CI साहब बड़े जो है ना मैं तो से ज़्यादा जो है ना इमीडिएटली वो उन्होंने एक्शन लिए, इस बात की बड़ी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत 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 मैं मुझे बहुत मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके लिए, हमारे CI साहब सुरेश साहब के लिए,
ये पहली मुलाकात है मेरी उनसे, और जो है ना मुझे जो है ना बिल्कुल एकदम तहफ़ महफूज हुआ मेरे को, मैं बिल्कुल अमन में आ गया जैसा मुझे महसूस हुआ। वरना जो है ना मैं जो है ना बहुत इस मामले में जो है ना बहुत मैं ये मामला जो है ना अचानक ऐसा मामला हो गया, बल्कि मैं खुद तशवीश में था। बहरहाल अलहमदिल्ला हमारे CI साहब जो है, सुरेश साहब जो है ना मदद किए, और आपके श्वेता मैडम भी जो है ना पूरे इंसिडेंस को देख के वेरीफाई करके जो है ना वो लोग जो है ना केस बुक किए हैं। बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं।